हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और पब्लिक फाइनेंस का पेपर जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पर कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ और आगे भी मैं आज कुछ आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। इन इंडिया जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 एंड ऑप्शन डी 2019। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में अप्लीकेबल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 162। इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, मीन्स फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी का इम्प्लीमेंट किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी को अपने यहाँ अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 163। इन विच ईयर जीएसटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में फ्रांस ने जीएसटी का इम्प्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 164। इज़ द डेट विच इज़ पेड एनी लीगल इन्फोर्समेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपल्सरी डेट। क्वेश्चन नंबर 165। When the government raises revenue by borrowings from within the country is known as option A voluntary debt, option B compulsory debt, option C internal debt and option D external debt. इसका correct answer है option number C, internal debt. Question number 166 का correct answer है option number B. Question number 167 का भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरिट गुड। बेसिकली मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे गवर्नमेंट मोटिवेट करती है कि आप उसको यूज़ करें, जैसे जिस तरह से आप कह सकते हो एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 168 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 169। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट गुड्स वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1959। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 170। एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए प्राइवेट गुड, ऑप्शन बी पब्लिक गुड, ऑप्शन सी मेरिट गुड एंड ऑप्शन डी मिक्स्ड गुड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरिट गुड। इसको आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।